स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 2, द टेलर बर्ड एंड द नॉटी कैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू डिफिकल्ट वर्ड्स. नंबर 1 इज हाउस होल्ड, नंबर 2 इज स्टिस्ट, नंबर 3 इज इमर्स्ड, नंबर 4 हैज्ड, नंबर 5 इज श्रिल, नंबर 6 इज मिसचीवस, नंबर 7 इज अपॉर्चुनिटी, नंबर 8 इज इमीडिएटली, नंबर 9 इज ड्यूज एंड द नंबर 10 दिस इज फ्यूरियस. नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. नंबर 1 इज किचन गार्डन. किचन गार्डन मीन्स अ वेजिटेबल गार्डन यूजुअली लोकेटेड बिहाइंड द हाउस. सो इस तरह का एक वेजिटेबल गार्डन होता है जो कि यूजुअली जो है वो घर के पीछे लोकेटेड होता है, घर के पीछे बना होता है. वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं, इसीलिए वो किचन गार्डन कहलाता है. नंबर 2 इज़ हैज्ड. हैज्ड मीन्स होता है ब्रोक ओपन एंड प्रोड्यूस अ यंग वन. जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्स जो थे वो हैज्ड हो गए थे, मीन्स अंडे जो थे वो बर्ड के एग्स वो ब्रोक हुए, पहले टूटे देन ओपन हुए एंड उसमें से यंग वन प्रोड्यूस हुए. सो द मीन ऑफ हैच इज टूटना, खुलना एंड उसके बाद यंग वन प्रोड्यूस होना. थर्ड इज इमर्ज्ड. इमर्ज्ड मीन्स होता है केम आउट, कोई चीज़ बाहर आना. सो एग में से जैसे चिक्स बाहर आए थे तो उस चिक्स जो थे दे केम आउट, वो बाहर आए थे, इमर्ज्ड हो गए थे. नंबर 4 इज श्रिल. श्रिल मीन्स होता है हाई पिच्ड, मीन्स महीन या तीखी सी आवाज़ में बोलना या कॉल करना किसी को. नंबर 5 इज़ अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस. जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कैट जो थी वो हमेशा चांस ढूंढती रहती थी चीक्स को ले जाने के लिए. नंबर 6 से महारानी. महारानी इज़ अ हिंदी वर्ड एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ क्वीन. नंबर 7 फ्यूरियस. फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना. जैसे कि कैट को बहुत गुस्सा आ गया था उस समय जब बर्ड ने उसको जाने के लिए बोला था. नंबर 8 इज स्क्रैच्ड. स्क्रैच्ड मीन्स होता है वुंडेड, मीन्स घाव लगना, चोट लग जाना. ठीक है. इन योर बुक क्वेश्चन नंबर 1 इज टिक द करेक्ट आंसर. सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2 इन आर नोटबुक. कुड द चिक्स फ्लाई व्हेन दे वर वेरी यंग. जब चिक्स जो थे बहुत छोटे थे क्या उस समय वे उड़ सकते थे? सो द आंसर इज नो. नो द चिक्स कुड नॉट फ्लाई व्हेन दे वर वेरी यंग. जब वो बहुत छोटे थे उस समय चिक्स जो थे उड़ नहीं सकते थे. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. हु सैड ओ माई डियर महारानी आई बाउ टू यू. किसने बोली थी ये बात? तो आपको पता है टेलर बर्ड ने बोली थी कैट को खुश करने के लिए, है ना. क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट डिड द मदर बर्ड आस्क हर चिक्स टू डू व्हेन दे वर ओल्डर. बड़े होने पर जो मदर बर्ड थी उसने अपने चिक्स को क्या करने के लिए कहा? जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए, ओल्डर हो गए, तब जो मदर बर्ड थी टेलर बर्ड उन्होंने अपने चिक्स को क्या करने के लिए कहा? सो द आंसर इज द मदर बर्ड आस्क हर चिक्स टू फ्लाई. मदर बर्ड ने अपने बच्चों को उड़ जाने के लिए कहा. टू द हाईएस्ट ब्रांच ऑफ द पाम ट्री. पाम ट्री की हाईएस्ट ब्रांच पर उड़ जाने के लिए कहा. नंबर बी पार्ट थिंक एंड आंसर. व्हाई वाज द मदर बर्ड रिस्पेक्टफुल टू द कैट. मदर बर्ड जो थी वो कैट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों रहती थी? टिल हर चिक्स ग्रीव अप. जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो गए, जब तक जो छोटे चिक्स थे हर चिक्स ग्रीव अप, जब तक उसके चिक्स जो थे वो ग्रीव अप नहीं हो गए, बड़े नहीं हो गए, तब तक जो मदर बर्ड थी वो कैट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल क्यों रहती थी? सो द आंसर इज द मदर बर्ड वॉज क्लेवर. मदर बर्ड जो थी वो बहुत ही क्लेवर थी एंड न्यू, और वो जानती थी दैट द कैट ओनली टॉक टू हर बिकॉज शी वॉन्टेड टू टेक अवे हर चिक्स. कि कैट जो थी सिर्फ जो मदर बर्ड थी उससे इसीलिए बात करती थी क्योंकि वह जो है चिक्स को
ले जाना चाहती थी। बाय बींग रिस्पेक्टफुल टू द कैट, कैट के लिए रिस्पेक्टफुल होकर द मदर बर्ड डाइवर्टेड हर अटेंशन, मदर बर्ड ने जो है कैट की अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया था, कैट का ध्यान चिक्स पर नहीं जाता था। एंड कैप्ट द चिक्स सेफ, उस समय और उसने जो है अपने चिक्स को सेफ रखा, मीन्स कि कैट से बचा कर रखा। अब जब वो कैट को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी तो कैट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, और उसका ध्यान जो है उसकी जितनी भी अटेंशन चिक्स पे रहती थी उनके चिक्स से हट जाती थी, और उनका ध्यान सिर्फ अपने रिस्पेक्ट कराने में ही लगा रहता था। ठीक है, और बर्ड रिस्पेक्ट करती रहती थी और कैट जो है उसके चिक्स को ईट करना भूल जाती थी, और इस तरह से जो बर्ड के बच्चे जो थे वो सेफ रह जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, डू यू थिंक द वे द मदर बर्ड प्रोटेक्टेड हर चिक्स वॉज क्लेवर। आपको क्या लगता है कि मदर बर्ड ने जो अपने बच्चों को जिस तरह से प्रोटेक्ट किया वो क्लेवर था? वॉट वुड यू डू इफ समवन वॉन्टेड टू हार्म यू, अगर आपको कोई हार्म पहुंचाना चाहता उस समय आप क्या करते? सो द आंसर इज यस, द वे द मदर बर्ड प्रोटेक्टेड हर चिक्स वॉज क्लेवर। हाँ, मदर बर्ड ने जो अपने बच्चों को अपने चिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो तरीका अपनाया था दैट वॉज रियली वेरी क्लेवर, वो बहुत ही क्लेवर था। इफ़ समवन वॉन्ट्स टू हार्म मी, अगर मुझको कोई हार्म पहुँचाना चाहता देन आई वुड डाइवर्ट देयर अटेंशन, तो मैं जो उनके ध्यान को मैं भटका देती एंड रन अवे, और मैं जो है भागती कहाँ पर? टू अ सेफ प्लेस, सेफ प्लेस की तरफ मैं भाग जाती एंड गेट हेल्प, और किसी से हेल्प के लिए मदद करती। ठीक है, मैं क्या करती, उनका ध्यान भटकाती और भाग जाती किसी सेफ प्लेस पर और हेल्प के लिए किसी की हेल्प ले लेती। सो आपकी नोटबुक एक्सप्लेनेशन कंप्लीटेड है। थैंक यू।